केजीएफ 2 तोड़ेगी पुष्पा के रिकॉर्ड्स। क्या पुष्पा से ज्यादा होंगे रॉकी के फैन? क्यों करना पड़ा 4 साल इंतजार? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्लैड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, आजकल सब जगह साउथ की फिल्मों का अलग ही बोलबाला है। 2018 में आई केजीएफ से एक राउडी हीरो के रूप में लोगों को रॉकी का किरदार बहुत पसंद आया। अब हाल ही में आई फिल्म पुष्पा का क्रेज सब जगह छाया हुआ है। सब अल्लू अर्जुन के स्टाइल और डांस की नकल करते हुए हमें सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं, फिर वो क्रिकेट के खिलाड़ी हो या फिर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, सब पुष्पा के किरदार की नकल करते नजर आ रहे हैं। 2021 की इस फिल्म ने सबको अपना फैन तो बनाया ही है और साथ ही बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई भी करी है। अब केजीएफ 2 भी लोगों को अपना फैन बनाने आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि केजीएफ 2 पुष्पा का रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो 2018 की इस फिल्म ने गैंगस्टर हीरो से सबको अपना फैन बनाया था और अब इसमें दो गुना एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलेगा, क्योंकि कहानी का मोड़ अब फिर से वहीं से देखने को मिलेगा जहां हमने 2018 में इसे छोड़ा था और सबको ये देखने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा है। पर अब सबको अपना फैन बनाने आ रहे हैं रॉकी भाई। गुंडे और हीरो का एक अनोखा मिश्रण हमने रॉकी भाई के रूप में देखा और हीरो का ऐसा अवतार सबको पर्दे पर बहुत पसंद आया था। इसके बाद हमें इतना खतरनाक और डेयरिंग हीरो पुष्पा में दिखा। नाम पर मत जाना, नाम सुन के फ्लावर लगता है पर फायर है पुष्पा, ये दिखा दिया पुष्पा ने। लोग पुष्पा के किरदार के फैन बन गए, साथ ही उनके लुक और स्टाइल के भी। अल्लू अर्जुन वैसे भी स्टाइलिश स्टार के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने ये दिखा भी दिया। दोनों हीरो को लोग आपस में काफी कंपेयर भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रॉकी भाई की फैन फॉलोइंग को पुष्पा के फैंस ने पछाड़ दिया है। पर अब रॉकी भाई अपने गैंगस्टर अंदाज में आ रहे हैं दुनिया जीतने। फिल्म का पहला पार्ट हमें 2018 में देखने को मिला था और उसके बाद से ही इसके दूसरे पार्ट का इंतजार सब कर रहे थे और इसका दूसरा पार्ट 2020 में ही रिलीज किया जाना था, पर उस दिन दशहरा पड़ रहा था, इसी वजह से डेट को आगे बढ़ा दिया गया। उसके बाद कोरोना महामारी की वजह से फिल्म 2021 में भी हमें पर्दे पर देखने को नहीं मिल सकी। फिल्म के पहले पार्ट की सफलता के बाद फिल्म के निर्माताओं को फिल्म के दूसरे पार्ट से काफी सारी उम्मीदें हैं, जिसके चलते वो फिल्म को थिएटर्स में ही रिलीज करना चाहते हैं। पर अब सारी मुश्किलों का सामना कर जैसे रॉकी फिल्म में ऊपर तक पहुंचता है, ऐसे ही कमाई के मामले में ऊपर तक पहुंचने आ रही है केजीएफ चैप्टर 2। इसी के साथ मैं स्वाति लेती हूं आप सभी से इजाजत। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यही इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें।